प्यारे बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जो जुनून के साथ चल रहा होगा ठीक है भैया आज हम लाए हैं रीजनिंग का है ना क्लाव क्लाव की शुरुआत हो रही है साथ ही साथ आपको ध्यान देना है आज का क्लास यहाँ पे होना है क्लॉक से ठीक है भैया क्लॉक यानी कि घड़ी क्लॉक यानी कि घड़ी रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक ठीक है तो जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए क्लास शुरुआत हो रही है ठीक है भैया यह क्लास आपका यूट्यूब पर भी चल रहा है और के टी सी क्लासे पर भी चल रहा है ठीक है एक क्लास से डेमो क्लास भी आप कर सकते हैं इसको ठीक है चलिए तो शुरू करें सब लोग जुड़ गए क्लास की शुरुआत किया जाए गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय हिंद जय हिंद ठीक है भाई शुरू किया जाए तो देखो भाई यह क्लास यूट्यूब पर भी चल रहा है के टीसी पर भी चल रही है आज से 12 अप्रैल है आज 12 अप्रैल है ना आज 12 अप्रैल है आज से रीजनिंग का नया बैच के टी सी क्लास है एप पर

ठीक है ऑन डिग्री के अंतर्गत यहां पे ध्यान दीजिएगा यहां पे दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कहेगा कि आठ बजकर तीस आठ तीस बजे बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का क्या होगा घंटे और मिनट के घंटे और मिनट के घंटे और, और मिनट के सुई के बीच सुई के बीच के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा ऐसा क्वेश्चन करेगा या फिर इसी को रिवर्स करके दूसरा टाइप बना देता है जैसे कह लो कि दो और तीन बजे के बीच दो और तीन बजे के बीच बजे के बीच कब कब एक सौ अस्सी डिग्री का कोण बनेगा एक सौ अस्सी डिग्री का कोण बनेगा कोण बनेगा है ना या 30 डिग्री का कोण बनेगा या नब्बे डिग्री का कोण बनेगा ठीक है ये ऑन डिग्री पर आधारित तीसरा आपका टाइप यहां पे बनता है स्लो एंड फास्ट स्लो एंड फास्ट यानी घड़ी को स्लो हो जाना या फास्ट हो जाना इस पे आधारित एक घंटे में एक दिन में कितने बार दोनों सुया संपाती होगा कितने बार नब्बे का कोण बनाएगा कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा यानी हम ये कह सकते हैं कि हम तीन टाइप में यह क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहला दूसरा और तीसरा तीन टाइप में इस टॉपिक यानी क्लॉक को हम पूरा समाप्त करेंगे ठीक है भाई ठीक है क्लियर है शुरू करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज का प्रॉब्लम हो तो हम कैसे बनाएंगे चलो सबसे पहला टाइप वन में हम लोग विचार करें टाइप वन टाइप वन ठीक है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चन ठीक है इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मिरर इमेज के बारे में मिरर इमेज क्या होता है तो मिरर इमेज में होता यह है कि बाएं का भाग दाएं और दाएं का भाग बाएं बस इतने कंसेप्ट है यानी यहां पे ऐसा होगा आपका क्वेश्चन मान लो कि ये फिगर है ये फिगर है अगर इसका आप मिरर इमेज बनाना चाहते हैं ठीक है मिरर इमेज आप बनाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है इसमें बाएं का दाएं और दाएं का क्या हो जाता है बाएं हो जाता है बाएं का दाएं मान लो ऐसा फिगर है ठीक है इसका आप बना रहे हैं मिरर इमेज तो क्या होगा बाएं वाला दाएं दाएं वाला बाएं ऊपर नीचे स्थिर रहेगा यानी यह या स्ट्रेट लाइन है वह स्ट्रेट लाइन तो रहे रहेगा ही रहेगा इधर वाला भाग इधर हो जाएगा और इधर इधर वाला भाग रहेगा लेकिन यह नीचे था नीचे ही रहेगा ऊपर था ऊपर ही रहेगा यानी एक ही बात आपको याद रखना है कि मिरर इमेज में प्रतिबिंब पलटता है प्रतिबिंब क्या होता है पलटता है पलटता है यानी बाएं का दाएं, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं हो जाता है दाएं का बाएं हो जाता है दाएं का बाएं हो जाता है ये आप याद रखेंगे ठीक है बस ऊपर नीचे क्या रहेगा स्थिर रहेगा ज्यादा कंसेप्ट नहीं बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट मिरर इमेज में प्रतिबिंब पलटेगा यानी बाएं का दाएं और दाएं का क्या होगा बाएं होगा क्लियर है भाई और अगर वाटर इमेज की बात करें और अगर बाटर इमेज की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है उल्टा का मतलब ये कि अगर ये आपका प्रतिबिंब है ये है ना तो इसका अगर आप बाटर इमेज बनाएंगे यानी कि दर पर नीचे जब होगा तो ये बाटर इमेज होगा नहीं तो इसमें प्रतिबिंब उल्टेगा क्या होगा प्रतिबिंब उल्टेगा उल्टेगा का मतलब क्या होगा ये स्ट्रेट लाइन तो आपको रहेगा ही रहेगा ये नीचे था तो ऊपर आ जाएगा लेकिन दाएं तरफ था दाएं तरफ रहेगा ये ऊपर वाला भार नीचे हो जाएगा ऐसे यानी इसमें आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब उलटता है उलटता है उल्टा उलटता है का मतलब क्या होगा ऊपर का नीचे ऊपर का नीचे ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है नीचे का ऊपर हो जाता है ये याद रखना बाएं दाएं क्या रहेगा स्थिर रहेगा ठीक है और ऐसे भी आप लोग जब भी क्लास करने आते हैं जाते हैं तो सबसे पहले दर्पण के सामने तो खड़ा होते हैं ना तो दर्पण के सामने अगर खड़ा होते हैं गौर नहीं किए हैं तो गौर करिएगा अगर ये हाथ में अगर कलम है या कंघी लेके खड़ा होते हैं तो दर्पण में ये कंघी ये साइड में दिखाई देगा यानी बाया वाला दाया और दाया वाला बाया दिखाई देगा सर आपका ऊपर है ऊपर दर्पण में भी दिखाई देगा नहीं पैर नीचे है पैर नीचे ही दिखाई देगा और वही चीज अगर आप तलाव के किनारे खड़ा होकर देखिए तो आप अगर ये साइड में कलम लेकर खड़ा होते हैं तो कलम यही साइड में रहेगा लेकिन सर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा यानी वाटर इमेज में प्रतिबिंब उलट जाएगा यानी ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर मिरर इमेज में प्रतिबिंब पलट जाएगा यानी बाएं का दाएं दाएं का बाएं अब आते हैं सीधे कल पर ठीक है अब सीधे आते हैं क्लॉक पर ठीक है भैया मान लो कि आपको यहां पर एक यह घड़ी दे दिया जाए ठीक है मान लो यहां पर हम अपने हिसाब से एक डायल हम बनाए यहां पे ध्यान से यहां पर देखिएगा एक डायल हम बनाए हैं घड़ी का ठीक है मान लिया जाए हम मिरर इमेज की पहले बात कर लेते हैं पहले मिरर इमेज की बात कर लेते हैं उसके बाद हम बाटर इमेज की बात कर लेंगे चलो अब यहां पर देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये आपका एक घड़ी ठीक है मान लो कि इसमें आठ बजकर बीस मिनट हुआ है गौर तो से समझिएगा आठ बजकर बीस मिनट हुआ है यहां पे आपका दर्पण लगा हुआ है यहां पे आपका दर्पण लगा हुआ है ठीक है दर्पण लगा हुआ है यदि इसमें आठ बजकर बीस मिनट हुआ होगा तो स्वाभाविक है यहां पे ये रहा होगा बारह ये रहा होगा तीन ये रहा होगा छह ये रहा होगा आठ ठीक है आठ बजकर बीस का मतलब हुआ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उफ। नौ होगा ना आठ बजकर बीस का मतलब होगा यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा नहीं है ना बीस तो पांच दस पंद्रह बीस यानी मिनट के सुई आपको यहां पे रहा होगा मिनट की सुई आपको यहाँ पे रहा होगा गौर से समझिएगा अब घंटा का सुई आठ से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा यहाँ पे रहा होगा घंटा का सुई यही चीज हुआ होगा आठ बीस में अब अगर आपका आप प्रश्न कह दे कि ये इसके सामने अगर हम दर्पण लगा दें इसके सामने अगर हम दर्पण लगा दें तो दर्पण में ये कितना समय बताएगा कितना समय बताएगा मैंने बताया दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब पलटता है बाएं का दाएं दाएं का बाएं होता है गौर से समझिएगा यहां पे ठीक है भैया गौर से यहां पे समझिएगा यहां पे गौर से आप समझिएगा होगा क्या बारह तीन आइए है आपका नौ तो प्रतिम्प पलटेगा तो क्या होगा तो मिनट की सुई ए साइड में है तो मिनट की सुई दर्पण में ए साइड में आ जाएगा यानी कहीं ना कहीं मिनट की सुई यहां पे है है ना तीन के नीचे तो इधर आ जाएगा कहां जाएगा तो यहां पे आ जाएगा ध्यान से समझिएगा यहां पे आ जाएगा देखो प्रतिबिंब क्या होगा पलटेगा ये मिनट वाली सुई क्या होगा मिनट वाली सुई इधर था तो इधर चलाएगा इधर चलाएगा है ना तीन से नीचे तो इधर आएगा तो नौ से नीचे आ जाएगा क्लियर है और ये घंटा का सुई क्या होगा तो उधर चला जाएगा है ना यहाँ पे देखो घंटा का सुई है आठ और नौ के बीच तो इधर आएगा तो तीन और चार के बीच यहाँ पे घंटा का सुई आ जाएगा आप ही बताओ घंटा का सुई तीन और चार के बीच में है और मिनट की सुई सात आठ पर है मिनट की सुई आठ पर है तो इसको क्या कहोगे आप तो यहाँ पे कहोगे आठ बजकर बीस मिनट हुआ है तो यहाँ पे समय बताओगे तो कहोगे तीन बजकर है ना पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस पैंतीस पैंतीस पांच चालीस मिनट होगा ये आप कहोगे क्या कहोगे भैया ये कहोगे कि तीन बजकर चालीस मिनट होगा लेकिन क्या ऐसी प्रकार से हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज्यादा कुछ नहीं ठीक है आपको ध्यान देना है है ना एक है दो है तीन चार पांच सात गायब है क्या छे तो गया हो गया है ये हो गया सात ये हो गया आठ नो दस ग्यारह यहाँ पे खासियत देखो है ना एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नो दस ग्यारह ठीक है ऐसे अगर जोड़ते हो तो सात पांच बारह आठ चार बारह नौ तीन बारह दस दू बारह ग्यारह एक बारह क्लियर है यानी आपको कुछ नहीं करना इतना फिगर आपको बनाना नहीं है सीधे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मिरर इमेज पर तो बारह बजे में से आप घटा लें बारह बजे में से क्या करें आप घटा लें आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा बारह बजे का मतलब क्या होता है तो हम कहेंगे ग्यारह बजकर साठ मिनट यही तो बारह बजता है साठ में से क्या करें घटा लें जैसे आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आठ बजकर बीस मिनट हुआ है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बताएगा तो ग्यारह साठ बारह का मतलब ग्यारह साठ ग्यारह साठ में से घटा लीजिए आठ बीस को आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है कितना आएगा तो हो गया चालीस ग्यारह में से आठ गया तीन देखिए तो आप निकाले थे तीन चालीस सीधा सीधी इसका शॉर्ट तरीका ये है क्यों क्योंकि बारह तो में से घटाएंगे क्लियर है जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि नौ बजकर चालीस मिनट हो रही है घंटी धन, में नौ बजकर चालीस मिनट हो रही है तो इसका भैया बता दो कि मिरर इमेज क्या होगा यानी यानी इसके सामने दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण में कितना समय बताएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा ठीक है सर वॉइस गूंज रही है वॉइस गूंज रही है का मतलब हमने माइक लगाया ही नहीं है ठीक है भाई माइक लगा लेते हैं ठीक है माइक लगा लेते हैं माइक लगा लेते हैं ठीक है चलो भैया माइक लगा लिया मैंने माइक लगाया ही नहीं था ठीक है चलो भैया माइक मैंने लगा लिया ठीक है माइक मैंने लगा लिया ठीक है क्लियर है क्लियर है अब आवाज़ नहीं गुंज रहा होगा ठीक है अब सही हो गया चलो अब सही हो गया अब गौर करो नौ बजकर चालीस मिनट हो रही है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा तो कुछ नहीं करना है आपको बारह बजे में से घटा लेना है बारह बजने का मतलब होता है ग्यारह बजकर साठ मिनट होना ठीक है तो ग्यारह साठ में से घटा लीजिए नौ चालीस को ग्यारह साठ में से आप घटा लीजिए कितना आएगा तो कहेंगे बीस ग्यारह में से नौ गया दो बीस कितना समय बताएगा दो बीस क्लियर है भाई एक भाई बता रहे हैं तीन बीस कमलेश प्रजापति नहीं तीन बीस नहीं दो बीस ठीक है अगला एक क्वेश्चन और है आपके लिए अगर आपसे कह दे आपसे कह दे कि पांच बजकर पचपन मिनट हो रही हो तो इसका मिरर इमेज क्या होगा जल्दी आप आंसर दीजिएगा पांच बजकर पचपन मिनट चलो बताओ पांच बजकर पचपन मिनट तो ये कितना समय बताएगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए पांच बजकर पचपन मिनट जल्दी बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा जल्दी से पांच बजकर पचपन मिनट कितना समय बताएगा चलो जल्दी बताओ पांच बजकर पचपन मिनट मिरर इमेज जल्दी बताइए जल्दी 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 आंसर दीजिएगा जल्दी आंसर दीजिएगा पांच है ना? धूरी कुमार को छे पांच क्लियर है हाँ पहले माइक में नहीं लगाया था ठीक है पहले माइक नहीं लगाया था इसलिए आवाज गुंज रही थी ठीक है अब माइक हम लगा लिए अब माइक हम लगा लिए ठीक है चलो जल्दी बताओ क्या होगा ठीक है ओके ठीक है भाई अब बताइए क्या होगा जल्दी बताइए कोई सातों पांच बता रहे हैं गलत है ग्यारह साठ में से आप घटा लीजिए पांच पचपन को पांच पचपन को आपका आंसर आ जाएगा छ बजकर पांच छे बजकर पांच मिनट होगा अगला क्वेश्चन आपके लिए अगर आपसे कह दे कि पैंतीस मिनट हो रहा हो तो इसका दर्पण प्रतिम क्या होगा मिनट जल्दी बताइए समय बताइए इतना टाइम मत लीजिए जल्दी 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 बताइए मिरर इमेज आपको बताना है भाई मिरर इमेज मिरर इमेज जल्दी बताइए दीजिएगा छः पांच तो इसका आ गया ठीक है भैया छः पांच इसका सही है छः पांच इसका सही है है ना अगर ग्यारह पैंतीस हो तो क्या समय होगा पच्चीस ध्यान से समझना हमने बोला गौर से यहाँ पे समझना हमने बोला कि ग्यारह साठ में से घटा लीजिए तो ग्यारह पैंतीस को ग्यारह साठ में से घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाँच है ना ये बच के जाएगा दो और ये बच जाएगा जीरो तो क्या कभी आप कहते हैं जीरो बजकर पच्चीस मिनट क्या कभी कहते हैं जीरो बजकर पच्चीस मिनट आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर ये घड़ी है अगर ये घड़ी है तो आप करते क्या हैं बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है भैया अब बारह के बाद तो 13 हो जाएगा ना यानी एक जब इसको काउंट कर रहे हैं आप जब एक इसको काउंट कर रहे हैं इसका मतलब यहां पे जीरो पढ़ रहे हैं गौर से समझिएगा हमने क्या बताया हमने क्या बताया कि बारह के बाद एक कैसे आएगा बारह के बाद तेरह आना चाहिए यहां पे एक आया यानी बारह को आपने जीरो पढ़ा तो जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह तब हो गया बारह यानी बारह और ये बारह जो है इसको कभी आप जीरो पढ़ते हैं कभी आप बारह पढ़ते हैं याद रहे तो जब भी आप जीरो आया तो इसको काट के हम बारह बना सकते हैं क्योंकि जीरो का मतलब बारह भी होगा और जीरो भी होगा दोनों होगा ठीक है तो अपनी सुविधा के अनुसार जीरो बजकर पच्चीस मिनट को हम कहेंगे बारह बजकर पच्चीस मिनट आपका आंसर होगा बारह बजकर पच्चीस मिनट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर कोई कह दे ग्यारह बज के चालीस मिनट तो कितना समय बताएगा मिरर इमेज में मिरर इमेज में जल्दी बताइए मिरर इमेज में कितना समय बताएगा जल्दी बताइए मिरर इमेज में ठीक है अगर रहे इगारह बजकर चालीस मिनट ग्यारह बजकर चालीस मिनट जल्दी बताइए ग्यारह बजकर चालीस मिनट ठीक है भाई ग्यारह बजकर चालीस मिनट सत्रह साठ में से घटाएंगे तो गलत हो जाएगा भाई मिरर इमेज की बात हो रही है वाटर इमेज की बात नहीं हो रही है ठीक है भाई ठीक है बारह बीस बारह बीस बिल्कुल सही ध्यान दीजिएगा करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है आपको ग्यारह साठ बारह बजे का मतलब होता है ग्यारह साठ ग्यारह साठ में से आप घटा लीजिए ग्यारह चालीस को क्या आएगा तो यहां आ जाएगा बीस यहां पे आ जाएगा जीरो जीरो बजकर बीस मिनट को हम कहेंगे इसको काट कर बारह बना देंगे क्योंकि जीरो का मतलब बारह भी होगा और बारह का मतलब जीरो भी होगा यानी आपका आंसर हो जाएगा बारह बजकर, बजकर बीस मिनट बारह बजकर बीस मिनट क्लियर है अगला क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम्पल हो कि बारह बजकर चालीस मिनट हो रही हो तो इसका मिरर इमेज भैया क्या बनेगा यानी इसके सामने दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण में कितना समय बताएगा जल्दी बताइए इसको हर एक तरह का हरेक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम करवाएंगे ठीक है चलिए जल्दी करिए क्या होगा जल्दी हमें आंसर दीजिएगा जल्दी में भैया जल्दी में जल्दी में यह क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है के टी सी ऐप पर भी चल रही है चलो जल्दी बताओ क्या होगा ठीक है बारह बजकर चालीस मिनट बारह बजकर चालीस मिनट बारह बजकर चालीस मिनट जल्दी बताओ बारह बजकर चालीस मिनट बारह का मतलब जीरो भी होगा और जीरो का मतलब बारह भी होगा अपनी सुविधा के अनुसार मैंने बोला मैंने बोला कि इसे ग्यारह बज के साठ मिनट में से घटा लेना है तो घटा लो ना बारह चालीस को बारह चालीस को तो बहुत बहुसा भैया कहेंगे कि यहाँ तो 60 में से 40 घट जाएगा 20 लेकिन यहाँ पे क्या करें 11 में से 12 को कैसे घटाएं तो मैंने बताया 12 का मतलब जीरो भी होता है जीरो का मतलब 12 12 मीन्स जीरो या जीरो मीन्स 12 अपनी सुविधा के अनुसार तो 11 में से 12 नहीं घट रहा था तो इसको जीरो बना दीजिए तब तो घट ही जाएगा ना ग्यारह में से जीरो गया ग्यारह यानी ग्यारह बजकर क्या हो जाएगा बीस मिनट ग्यारह बजकर क्या हो जाएगा बीस मिनट एक बजकर बीस मिनट नहीं भैया ग्यारह बजकर बीस मिनट होगा चलो एक आखिरी क्वेश्चन इस पे और हम आपको करा दूं एक आखिरी क्वेश्चन अगर कह दे बारह बजकर पैंतीस मिनट हो रहा हो तो इसके सामने दर्पण में कितना समय बताएगा मिरर इमेज क्या होगा जल्दी से आंसर दीजिएगा है ना जल्दी से आंसर दीजिएगा नमस्कार नमस्कार संजय कुमार बारह बीस दिवेश पांडे बारह बीस है ना चलो जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी 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 क्या होगा ग्यारह साठ में से भैया घटा लेना है में से तो क्या करिएगा में से ये पैंतीस को आप घटा लेंगे बारह पैंतीस को आप घटा लेंगे तो बहुत सा भाई कहेंगे कि सर यहां पे साठ में से पैंतीस जाएगा पच्चीस जो बच जाएगा लेकिन ग्यारह में से बारह को कैसे घटाएं तो मैंने बोला कि ये आपका घड़ी है घड़ी में आप क्या कौन करते हैं बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये हुआ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह के बाद तो बारह आएगा लेकिन एक आने का मतलब यहां पे जीरो भी कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं तब ना जीरो के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह के बाद क्या होता है बारह यानी बारह का अर्थ जीरो भी होगा और बारह भी होगा तो अपनी सुविधा के अनुसार ये बारह को काट कर क्या बना लीजिएगा जीरो क्योंकि ग्यारह में से बारह घट नहीं रहा है तो इसको जीरो बना लीजिए तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा ग्यारह में से जीरो गया क्या बच गया ग्यारह पच्चीस ठीक है भैया तो हमें लगता है कि आप मिरर इमेज का क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किस ढंग का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कत नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण एवं इस प्रकार की घड़ी की समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद है प्रत्येक प्रश्न का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात कीजिए ठीक है यह निर्देश है इस पर यह क्वेश्चन है कि यदि प्रतिबिंब में समय नौ बजकर नौ बजकर पैंतालीस मिनट हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा ध्यान दीजिएगा चाहे घड़ी का समय दे दे प्रतिबिंब का पूछे या प्रतिबिंब का समय दे दे घड़ी का पूछे बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं होगा आपको ग्यारह साठ में से ही घटाना है ग्यारह साठ में से ही घटाना है तो यह यह जो समय है वो प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है दर्पण में जो प्रतिबिंब रहा है उसका समय दिया हुआ है आपका वास्तविक समय यानी कि रियल घड़ी का टाइम पूछ रहा है लेकिन हमारे नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा सीधे हम क्या करेंगे ग्यारह साठ में से इसे हम घटा लेंगे नौ पैंतालीस को जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा कितना आएगा भैया पंद्रह आएगा ठीक है आधर कितना आएगा दो पंद्रह ये मेरा प्रश्न का जवाब होगा क्लियर है कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं कोई, कोई परेशानी ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप पर छोड़ते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप पर छोड़ते हैं कि वास्तविक समय ग्यारह बजकर पचपन मिनट हो रहा हो ग्यारह बजकर पचपन मिनट हो रहा हो तो बताओ कि इसमें प्रतिबिंब समय क्या होगा प्रतिबिंब समय हो पुशे या वास्तविक तो समय पूछे दोनों स्थिति में ग्यारह साठ में से आपको घटा लेना है ठीक है चलो जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा दो पंद्रह हाँ भैया पहले वाला का दो पंद्रह होगा इसका क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा क्या होगा जल्दी बताओ कुछ नहीं करना है आपको ग्यारह साठ में से आप घटा लीजिए ग्यारह पचपन को कितना आएगा तो कहेंगे पांच ये आएगा जीरो जीरो का मतलब आप सबको पता है बारह जीरो का मतलब क्या होता है बारह आपका उत्तर हो जाएगा बारह बज के मिनट, मिनट, यानी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जल्दी, बिल्कुल एक तरह का है। अब हम आते हैं बाटर पर, एक दो गौर से करिए वास्तविक समय बारह बजकर तीस मिनट हो रहा हो वास्तविक समय बारह बजकर तीस मिनट हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा ध्यान रहे ये टोटल क्वेश्चन का निर्देश एक ही था जो स्टार्टिंग में था मिरर इमेज पर था यानी सामने दर्पण लगा हुआ हो तो यानी घड़ी यहाँ पे लगा हुआ है और उस दीवार पे दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण में कितना समय बताएगा यदि घड़ी में बारह बजकर तीस मिनट हो रहा हो तो उस दर्पण में कितना समय बताएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर तो कुछ नहीं करना है आपको भैया इगारह साठ में से क्या करना है घटा लेना है तीसरा का बी कितना बता रहे हैं देखते हैं हम भी इगारा में से हमें तीस को घटा लेना है चलो घटाओ कितना आएगा तीस ये बारह को क्या पढ़िएगा अपनी सुविधा के अनुसार जीरो क्यों क्योंकि ग्यारह में से बारह घट नहीं रहा था तो इसको जीरो बनाकर घटा देना है तो ग्यारह में से जीरो गया जीरो ग्यारह बजकर तीस मिनट यानी बी ऑप्शन मेरा सही होगा अगला बच्चों आपके स्क्रीन पे एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर है मिनट की सुई 12 पर घंटे की सुई 9 पर है ध्यान देना घंटे की सुई 9 पर मिनट की सुई 12 पर है यानी यह कह रहा है कि 9 बज कर 12 मिनट हो रहा है घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर का मतलब क्या हुआ है ना कि मिनट की सुई 12 पर सॉरी मिनट की सुई बारह पर है तो जीरो हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा है ना यानी ये कह रहा है कि नौ बज रहा है फिर फिर से पे समझो यहाँ पे ए आपका घड़ी है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यहाँ पे ये कह रहा है कि घंटे की सुई नौ पर है यानी ये घंटे की सुई नौ पर है और मिनट की सुई बारह पर है तो इसको क्या कहिएगा नौ कहिएगा ना है ना इसको क्या कहिएगा कि नौ बज रहा है नौ बजकर जीरो मिनट बारह का मतलब जीरो ठीक है तो तो बताइए कि घड़ी की सही समय क्या हो रहा है चलो आंसर दो तो जल्दी से जल्दी से आंसर दीजिए वास्तव में यह क्वेश्चन जो है है ना आईने में दीवाल घड़ी की तस्वीर दिखाई दिया और यह दिवाल घड़ी में यानी कि प्रतिबिंब समय है यानी कि उस दीवार पर दीवार घड़ी लगा हुआ है ठीक है या यहीं पे यहीं पे एक दीवार घड़ी लगा हुआ है और उस दीवार पर दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण में हम देख रहे हैं तो समय नौ बज रहा है तो इस घड़ी में कितना समय देगा तो चाहे दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण का समय दे दे घरे का पूछे या रियल घरे का समय दे दे दर्पण में बना प्रतिबिंब का पूछे दोनों एक ही होता है दोनों एक ही होता है कुछ नहीं करना है ग्यारह साठ में से हमें सिर्फ घटाना होता है तो नौ को ग्यारह साठ में से आप घटा लेंगे आपका उत्तर आ जाएगा साठ ग्यारह में से नौ गया दो यानी दो बजकर साठ मिनट क्या हो गया दो बजकर साठ मिनट का मतलब होगा बजेगा कितना बजेगा भैया तीन बजेगा यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा क्लियर है आगे 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 एक यहां आगे यहां पर बढ़ें, आगे यहां पर देखो ये जो प्रश्न है आपका ये जो प्रश्न है आपका वो है बाटर इमेज पर किस पर बाटर इमेज पर चलो तो वाटर इमेज का कंसेप्ट को हम सीखते हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा वाटर इमेज का कंसेप्ट है हाँ ना मिरर इमेज हम सीख गए अब देखते हैं बाटर इमेज किन्हीं को अगर दिक्कत हो परेशानी हो भैया तो हमको बता दीजिए कमेंट्स करके किन्हीं को अगर दिक्कत है किन्ही को अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट्स करके आप बता देंगे चौथा काडी दिवेश कुमार तीन बजे दिवेश पांडे ठीक है चलो बढ़िया बहुत मजा कोई दिक्कत किन्ही को किन्हीं को समझने में दिक्कत है कठिनाई है सर मैथ का देखो फुर्सत मिलेगा हम आएंगे है हाँ ना अभी थोड़ा सा बटन था बिजी थे थोड़ा सा लाइव क्लास में इसलिए हम नहीं आ रहे थे ठीक है आएंगे हम बिल्कुल आएंगे चलिए यहाँ पे बताइए फिलहाल जो क्लास चल रहा है उसकी बात करें वाटर इमेज देखो अब इसको समझो यहाँ पे मान लिया जाए बाटर इमेज में क्या होता है ऊपर का नीचे ध्यान से समझिएगा इसमें ऊपर का प्रतिबिंब जो होता है वो नीचे हो जाता है और नीचे का प्रतिबिंब क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है नीचे का प्रतिबिंब क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है बस यही होता है यानी कि वाटर इमेज प्रतिबिंब पलटता है यानी अगर कोई ऐसा फिगर अभी हम बताए थे कोई ऐसा फिगर दे दे और नीचे दर्पण रख दे तो वाटर इमेज कैसा बनेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा ये हुआ वाटर इमेज लेकिन बाएं का बाएं रहेगा दाएं का दाएं रहेगा देखो दाया साइड में रूप था तो दाएं साइड में रहेगा वाला बाएं साइड में रहेगा क्लियर है अब हम आते हैं सीधे घड़ी पर अगर घड़ी पर वाटर इमेज की अगर बात करें तो आप कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए मान लिया जाए यहां पर आपको दे देता है आठ बजकर बीस मिनट आठ बजकर बीस मिनट ठीक है भैया पहले तो हमें घड़ी बनाएंगे यहां पे चलो भैया यहां पे मैंने घड़ी बना दिया ठीक है आठ बजकर बीस मिनट आठ बजने पहले बेसिक समझ लो उसके बाद ट्रिक भी आपको हम समझा देंगे ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है आपको बहुत आसानी से इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है है ना कभी कभी बुक में भी एग्जाम में भी दो तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अतः गौर से इसको पहले आप समझ लीजिएगा फिर बाद में कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी यहां पर ध्यान देना ये है बारह ये है तीन ये है छौ क्लियर है यहां पे एक दो एक हो गया दो हो गया ये आपका चार हो गया पांच हो गया ये आपका सात हो गया आठ हो गया समझ लीजिए पहले उसके बाद आपको जो करना है बाद में आप करते रहिएगा अब यहां पे कहा आठ बजकर बीस मिनट आठ बजकर बीस मिनट यानी मिनट की सुई चार पर रहा होगा ध्यान से समझिएगा और घंटा का सुई आठ से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा हा या ना जल्दी बताओ आठ से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा अब गौर करो जब इसका हम बाटर इमेज बनाएंगे जब इसका हम बाटर इमेज यानी कि दर्पण हमें कहाँ रखना होगा तो कहेंगे नीचे रखना होगा दर्पण हमें कहाँ रखना होगा नीचे रखना होगा पहले बेसिक समझ लीजिए उसके बाद उसके बाद उसके बाद हम इसका ट्रिक भी बताएंगे ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका घड़ी का प्रतिम बनेगा है ना ये आपका बारह है ना बारह ये हो गया एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ठीक है एक दो तीन ये हो गया चार ये हो गया पाँच ये हो गया छः ये हो गया सात ये हो गया आठ और ये हो गया आपका नौ यहां पे दस यहां पे ग्यारह तो क्या होगा इसमें कि प्रतिबिंब पलट उल्टेगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचे जाएगा तो इसको जब भी आप बनाइए तो यहां पे ध्यान दीजिए है ना ये वाला तीन और नो पर आप ध्यान दीजिए तीन पर और नो पर तीन और नो पर आप ध्यान दीजिएगा तीन और नो पर, तीन और पर से ऊपर नीचे आप कर दीजिएगा ठीक है जो सुई तीन या नो से जितना नीचे है उतना ही उसको ऊपर कर दीजिएगा आपका वाटर इमेज बन जाएगा देखो हम यहां पे करते हैं है ना ये इसका केंद्र हो गया यहां से मिनट की सुई जो है मिनट की सुई तीन से एक स्टेप नीचे है तो यहां पे मिनट की सुई से एक स्टेप ऊपर चला जाएगा गौर से यहां पे समझिएगा क्लियर है मिनट की सुई यहां पे चला जाएगा यानी कि दो के सामने चला जाएगा घंटा का सुई आठ से आठ अनो के बीच में है आठ और नौ के बीच में यानी कि नौ से इतना नीचे है तो घंटा का सुई नौ से उतना ही ऊपर चला जाएगा यानी यहां पे चला जाएगा घंटा का सुई ठीक है घंटा का सुई यहां पे चला जाएगा अब आप ही बताओ कि इस समय को क्या कहोगे तो घंटा का सुई नौ और दस के बीच में है और मिनट की सुई दो पर है मिनट की तो सुई कहां है भैया दो पर है तो कहेंगे नौ बजकर दस मिनट क्या कहेंगे इसको नौ बजकर दस मिनट हुआ ये आपका आंसर होगा ठीक है नौ बजकर कितना हो गया दस मिनट हुआ लेकिन सावधान हो जाइए आपका ऑप्शन में कुछ और भी कभी कभी दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है उसको भी आप समझ लीजिए दूसरा ढंग से भी इसको हम बनाने का हम प्रयास करेंगे ठीक है जो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है बहुत सारे विद्यार्थी यहां पे कंफ्यूज रहते हैं ठीक है अतः सारे कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे बारह हो गया एक हो गया दो हो गया तीन हो गया छे हो गया सात हो गया आठ ओफ तीन के बाद चार होता है भैया गिनती भी भूल जाते हैं हम कभी कभी ठीक है क्या होगा तीन के बाद चार होगा पांच होगा छ होगा सात होगा आठ होगा नौ होगा दस होगा ग्यारह होगा ठीक है अब की बार अब की बार यहां पे दर्पण वही क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहां पे दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं उसी क्वेश्चन को दूसरा ढंग से हम बनाने का यहां पे प्रयास कर रहे हैं आपका क्वेश्चन था यहां पे नौ आठ बजकर बीस मिनट यानी आपका आपका मिनट के सुई चार पर रहा होगा और घंटा का सुई आठ से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा वास्तव में देखा जाए तो वाटर इमेज में इक्यूरेट समय आप नहीं बता पाएंगे कैसे तो यहां पर देखो ये वाला सुई जो है नौ से इतना नीचे है तो यहां नौ से बिल्कुल ऊपर चला जाएगा आठ बीस की बात कर रहा है या नौ दस की बात कर रहा है दस तो दस में क्या यहां पे सुई होना चाहिए कि यहां पे सुई होना चाहिए था गौर से यहां पे हमको देख बताइए ये घंटा का सुई तो बिल्कुल यहां पे होना चाहिए था लेकिन घंटा का सुई को देखता नहीं है वो सिर्फ देखता है कि नौ और दस के बीच में गया या नहीं गया अगर नौ और दस के बीच में है तो कह देते हैं नौ बजकर सात और आठ के बीच में है तो कह देते हैं सात बजकर छ और सात के बीच में है तो कह देते हैं छह बजकर इतना मिनट लेकिन वास्तव में ये घंटा का सुई का स्थान नौ से आधा से नीचे ही रहना चाहिए क्योंकि पांच दस पांच दस दस ही तो दस मिनट की बात कर रहा है तो मिनट तो में घंटा का सुई बिल्कुल यहां सट जाएगा क्या दस के पास होगा कि नौ के पास होगा तो आप कहेंगे नौ के पास होगा तो ये जो घंटा का सुई का विचलन है ना इसको हम लोग नगन मान के भी बनाते हैं इसीलिए कि बाटर इमेज में सही सही प्रतिबिंब समय नहीं बन पाता यानी कि बाटर इमेज में अगर किसी भी घड़ी का बाटर में प्रतिबिंब देखकर समय बताने की बात करेंगे तो कभी कभी अटपटा नजर आएगा अटपटा जैसे कि छे बजकर तीस मिनट है छीस मिनट है उसको कैसे समय बताइएगा देखिएगा बहुत अटपटा समय निकलेगा तो इसीलिए क्या करते हैं कि क्या घंटे की सुई का जो विचलन है घंटे की सुई का जो विचलन है घंटे की सुई का जो विचलन है उसको नगन मान लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं नगन यानी कि विचलन हुआ ही नहीं यानी जैसे प्रश्न में था आठ बजकर बीस मिनट तो हम सीधा मान लेते हैं कि घंटे की सुई आठ के ऊपर नहीं रहकर ये आठ पर ही है ऐसा हम मान के चलते हैं घंटे की सुई कहाँ है आठ पर ही है दूसरा तरीका ये है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पर इस ढंग से उत्तर देखने को हमें मिलता है ठीक है तो दूसरा तरीका है कि उसको नगन विचलन यहां से आठ से ऊपर था ना बीस मिनट का समय में घंटा का सुई भी आगे बढ़ा होगा तो यहां पर आगे बढ़ाकर मैंने बनाया तो नौ बजकर दस मिनट निकला लेकिन यहां पर घंटे की सुई का विचलन को नगन मानते हैं कि उसका विचलन हुआ ही नहीं यानी वो आठ पर ही रहा तब ऐसी स्थिति में कितना आपको समय बताएगा देखो माथा तो धरेगा लेकिन है ना कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कंफ्यूजन आपका क्या होगा भैया दूर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे ध्यान देना बारह है एक है दो है तीन है चार है पांच है छह है सात है आठ है नौ है दस ग्यारह अब यहां पे अगर इसका आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा तो अब कहेंगे कि ये तीन और नौ को हमको बीस लेना है तीन से ये एक का स्टेप नीचे है तो तीन से एक का स्टेप ऊपर करिएगा तो ये दो चला जाएगा मिनट का सुई घंटा का सुई नौ से एक का स्टेप नीचे है आठ पर अतः ये नौ से एक का स्टेप ऊपर चला जाएगा दस पर ऐसा स्थिति में हम इसको कहते हैं कि दस बजकर दस मिनट हो रहा है ठीक है अब यहां पर आपके पास कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा अगर कोई कहे कि घड़ी में आठ बजकर बीस मिनट हो रहा है तो इसका बॉटर इमेज बनेगा तो कितना समय बताएगा तो एक विद्यार्थी का उत्तर आएगा नौ बजकर दस मिनट और दूसरा विद्यार्थी का उत्तर आएगा दस बजकर दस मिनट कोई बुक में कोई एग्जाम में आपको दिखाई देगा नौ बजकर दस मिनट और कहीं पे दिखाई देगा दस बजकर दस मिनट अब कौन उत्तर मानिएगा दोनों उत्तर अपने स्थान पे सही है यह आंसर आया घंटे की सुई का विचलन को नगन मानने पर यह उत्तर आया घंटे की सुई को भी हमने विचलित करवाया तब ठीक है बात आई समझ में हाँ या ना अब यहां पे एंसर करने की अगर बात होगी एंसर करने की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा आपके प्रश्न में जो क्वेश्चन होंगे उसका ऑप्शन में या तो ए वाला ऑप्शन होगा या फिर वाला ऑप्शन होगा या फिर वाला ऑप्शन होगा अगर दोनों में कोई एक है तब तो, तो टिकॉट मार देंगे अगर दोनों है तो हम प्राथमिकता इसका देंगे प्राथमिकता इसका देंगे क्योंकि हम एक्चुअल लेकर चले हैं घंटा का सुई का एक्चुअल विश्रम को यहां पर लेकर चले हैं लेकिन यहां पर बेमानी किए हैं घंटा का सुई को बेमानी किए हैं यानी कि नगन मान के चले हैं इसका विचलन अतः यह गलत होगा यह सही होगा 100 परसेंट सही की बात करेंगे तो इसको मानेंगे लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों दिखाई दे तब अगर कोई एक दिखाई दे तब तो आपका आंसर निकलकर सामने आ ही जाएगा लेकिन प्रश्न है दस दस होगा देखो यहां पे दो उत्तर आ रहा है ना दस दस भी होगा नौ दस भी होगा अब दस दस होगा या नौ दस होगा कौन सही होगा तो हम कहेंगे दोनों सही होगा ये दोनों सही होगा क्या होगा भैया दोनों सही होगा लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा दोनों में से कोई एक ही होगा ठीक है तो करना क्या है सो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं थोड़ा सा ऊपर करें दिखाई देगा दिखाई देना चाहिए थोड़ा सा करेंगे ज्यादा नहीं अब देखो यहां पर चलो आगे बढ़वा हटाओ आठ बजकर बीस मिनट हो रहा था कितना हो रहा था आठ बजकर बीस मिनट हमको पता करना था कि इसका बाटर इमेज अगर बने तो कितना समय बताएगा तो घंटे जब मिलर इमेज था तो 12 बजे में से घटाते थे अगर बाटर इमेज होगा तो याद रखिएगा ट्रिक निकालना है तो आपको 17:30 या 17:90 में से घटा लेना है ध्यान से समझिएगा 17:30 या 17:90 में से घटा लीजिएगा 17:30 17 बजकर 30, 30 मिनट या सत्रह बजकर नब्बे मिनट सत्रह बजकर नब्बे मिनट में से आप घटा लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा ठीक है भैया ट्रिक अगर यहां पे आप देखना चाहते हैं ट्रिक आप यहां पे देखना चाहते हैं तो आप या तो सत्रह तीस में से या फिर सत्रह नब्बे में से घटा लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा तो सत्रह तीस में से कब घटाएंगे सत्रह नब्बे में से कब घटाएंगे तो देखो यहां पे मिनट क्या फेर है है ना अगर 30 में से ये मिनट घट जाता है तब तो ठीक है और नहीं घटता है तो फिर 90 में से घटाइएगा यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर 8 बीच बज रहा हो तो हम 17 30 में से घटा लेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा आठ बजकर बीस मिनट यानी आ जाएगा आपको ये आ गया दस आ, सत्रह में से आठ गया नौ नौ बजकर दस मिनट कौन वाला उत्तर निकला भैया तो ये वाला जो वास्तविक था जो वास्तविक था यानी घंटे का विचलन जिसमें हुआ था ध्यान से समझिएगा है ना ये आपका कौन वाला निकला तो पहले वाला निकला वास्तविक निकला अगर आपको विदाउट घंटे के सुई का विचलन को समाप्त करके समय बताना है दूसरा वाला तो इसको में एक घंटा ऐड कर दीजिएगा एक घंटा ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा नौ बजकर दस मिनट हुआ है तो नौ एक दस बजकर कितना हो जाएगा दस मिनट ये वाला समय आपका दोनों आंसर यहां निकलकर सामने आ गया ठीक है भैया दोनों आंसर देखो यहां पे क्या उत्तर आया था 9 दस 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 नौ दस 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 नौ दस कब आया था जब घंटे की सुई का भी विचलन कराए थे दस दस कब आया था जब घंटे के सुई का विचलन को हम समाप्त कर दिए थे ठीक है तो बस एक जैसी जोड़िएगा तो वो वाला भी टाइम आपका निकल जाएगा कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए यहां पे अगला यहां पे क्वेश्चन एक आप के लिए करते हैं अगर आपका प्रश्न हो कि नो बजकर चालीस मिनट हो रहा हो तो इसका बाटर इमेज में कितना समय बताएगा बाटर इमेज में कितना समय बताएगा जल्दी बताओ तो आपका उत्तर बिल्कुल वही होगा कि भैया सत्रह तीस या सत्रह नब्बे में, में से घटा लो सत्रह नब्बे में से क्या करो भैया घटा लो सत्रह तीस या सत्रह नब्बे में से क्या करो घटा लो तो चलो सत्रह तीस में से घटाओगे सत्रह तीस में से घटाओगे नौ चालीस को तो ये नहीं घटेगा तीस में से चालीस नहीं घटेगा जब सत्रह तीस में से न घटे तो सीधे सत्रह नब्बे में से घटा लीजिए सत्रह नब्बे में से नौ चालीस को घटा लीजिए सीधा सीधे आपका आंसर आ जाएगा कितना आया पचास या कितना आया आठ यानी आठ बजकर पचास मिनट होगा कौन वाला समय ये निकला जिसको में घंटे की सुई का विचलन सही लिए थे आप अगर घंटे की सुई का विचलन को नगन मान के आप निकालिएगा तो इसको में एक घंटा जोड़ना पड़ेगा एक घंटा जोड़ना पड़ेगा एक घंटा आपको जोड़ना पड़ेगा एक घंटा इसको में ऐड करना पड़ेगा तो आठ एक नौ बजकर पचास मिनट आपका आंसर होगा ठीक है आपका उत्तर या तो ए होगा या ये होगा दोनों में से कोई ये आपका वास्तविक निकला जिसमें घंटे की सुई का विचलन आप करवाए हैं ए वाला कौन निकलेगा जिसमें घंटे की सुई का विचलन को नगन माने हैं आपका उत्तर ए वाला भी होगा ए वाला भी होगा ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा जो रहेगा उसमें टिकआउट मार दीजिएगा जो रहेगा उसमें क्या मारिएगा टिकट मार दीजिएगा और अगर दोनों आ जाए तो सही हम इसको मान के चलेंगे सही हम इसको मान के चलेंगे क्योंकि इसको मैं वास्तविक रूप से घंटे की सुई का विचलन आप करवा है क्लियर है भैया अब बताओ समझ में आया या नहीं आया एक बार अगर समझ में आया एक बार अगर समझ में आया तो ये टाइप करिएगा थोड़ा तो सा हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आया या नहीं आया ठीक है वाटर इमेज की बात कर रहे हैं मिरर इमेज में तो 12 बजे में से घटाए लिए 12 बजे का मतलब ग्यारह साठ में से अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन हो तो आपको घटाना है 1730 या फिर 1790 1730 में से घटता है तब तो ठीक है नहीं घटेगा तो 1790 में से घटाइएगा यानी मिनट 30 से ऊपर होगा तो इसमें घटाएंगे तीस तक होगा तो इसमें Sameh… घटाएंगे ठीक है -like. -like. अगला क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके लिए अगर प्रश्न में हो भैया कि आठ मिनट जल्दी बताओ इसका अगर वाटर इमेज बनेगा तो कितना समय बताएगा आठ बजकर चालीस मिनट सर आपका क्लास कब कब होता है ठीक है भैया देखो भाई हम सिंगल आदमी है मैथ इन दोनों विषय पढ़ाते हैं तो फ्री होता है तो हम यूट्यूब पर आ जाते हैं ठीक है चलिए अभी यहां पे हम एक क्लास चूंकि यूट्यूब पर नहीं अपने केटीसी क्लास से ऐप पर ले रहे हैं और डेमो के रूप में यूट्यूब पर हम चला रहे हैं ठीक है और रात को नौ बजे यूट्यूब पर हम क्लास आपके लिए लाते हैं अभी दो चार दिन से हम एब्सेंट चल रहे हैं यूट्यूब पर है ना लेकिन कल से समाप्ता समय निकल चुका है कल से समाप्ता यूट्यूब पर क्लास हम मैराथन जो तीस डेट का था वो लेकर हम आएंगे ये आज का क्लास ऐप पे भी है और के टी सी क्लासे ऐप पर भी है और के टी सी यूट्यूब चैनल पर भी है दोनों पे चल रहा है समान रूप से ये बैच आज से शुरू हुई है रीजनिंग का एस एस सी जी डी के लिए यू पी एस आई के लिए और फिर रेलवे ग्रुप डी के लिए कंबाइंड रूप से ये बैच हम शुरू किए हैं बहुत कम फी में अगर देखना चाहते हैं तो आप यहां पे देख लीजिएगा देखिए यहां पे इसका बैनर यहां पे लगा हुआ था हाँ ये बैनर है है ना ये रीजनिंग का क्लास आज से हम शुरू किए हैं ठीक है बारह अप्रैल से बारह अप्रैल से ये क्लास बारह अप्रैल से शाम को पांच बजे है ना ये के टी सी ऐप पर है के टी सी क्लासेज ऐप पर ना, है ना के क्लास क्लासे ऐप पर ये स्टार्ट हुई है आज से शाम पाँच बजे इसका फिर पंद्रह सौ के स्थान पे ओनली फोर तीन सौ अंठानवे रुपया हम रखे हैं इसमें कंप्लीट रीजनिंग वैरबल और नॉन वैरबल दोनों हम लाइव पढ़ाएंगे लाइव पढ़ाएंगे जिनको भी एडमिशन लेना होगा इसका लिंक ओपन हो गया एडमिशन का आज से कोई भी इसमें एडमिशन अभी आप ले सकते हैं के टी सी क्लासें ऐप पर जाकर ठीक है भाई यूट्यूब का क्लास रात नौ बजे लेकिन अभी दो चार दिन से हम एबसेंट चल रहे हैं ठीक है देखते हैं आगे यहाँ पे आते हैं कहाँ पे थे हम लोग भाई कहाँ पे थे चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं चलो इसका क्या होगा तो मैंने बताया कि जब भी आपका मिरर इमेज की बात करें सॉरी वाटर इमेज की बात करें तो आपको घटा लेना है सत्रह तीस में से या फिर सत्रह तीस में से ना घटेगा तो आपको घटा लेना है सत्रह नब्बे में से यही मैंने बताया तो 30 से 40 ज्यादा होता है अतः हमको घटाना होगा सत्रह नब्बे में से अगर 8 40 को आप घटाओगे तो कितना आएगा भैया तो कहेंगे 50 आएगा आइए आएगा 9 नौ, नौ बजकर पचास मिनट लेकिन ऑप्शन में अगर 9 50 ना होगा तो क्या करिएगा तो भैया आप यहां पे एक घंटा इसको में ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा दस पचास ठीक है यानी कि दस पचास भी आपका आंसर होगा और नौ पचास भी आपका आंसर होगा यह कौन वाला आंसर हुआ जो कि रियल में घंटे की सुई को भी उसके उचित स्थान पर रखकर प्रतिम बनाए थे ये कौन वाला आंसर हुआ जिसमें घंटे की सुई को आप घंटे के सुई के विचलन को आप नगन मानकर बनाए थे ठीक है अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो सही उत्तर आपको इसको लगाना है ठीक है भैया अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप समझ गए होंगे कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न 37 दर्पण यानी कि हॉरिजेंटल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों का स्थान बिंदुगत निशान मौजूद है प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात कीजिए यहां पे ध्यान दीजिए सैतीज दर्पण होरिजेंटल मिरर का मतलब है कि दर्पण ऐसे रखा गया है दर्पण जब ऐसे रखेगा घड़ी के नीचे तो स्वाभाविक है दर्पण जब ऐसे होगा तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा दर्पण प्रतिबिंब सॉरी वाटर प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब बनेगा जल प्रतिबिंब कौन प्रतिबिंब की बात किया है ये जल प्रतिबिंब की बात किया है जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर क्वेश्चन सबसे पहले ये है बाटर इमेज का क्वेश्चन कि यदि प्रतिबिंब समय चार बजकर चार बजकर पचास मिनट हो रही हो तो भैया बताना है कि इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा यह पहले हम बोल चुके हैं कि चाहे तो प्रतिबिंब समय दे दे वास्तविक पूछे या वास्तविक समय दे दे प्रतिबिंब पूछे दोनों ही स्थिति में एक ही क्रिया करना है है ना क्या करना है भैया तो सत्रह साठ सॉरी सत्रह तीस या फिर सत्रह नब्बे में से क्या करना है घटा लेना है यह बात आप याद रखिएगा सत्रह तीस या फिर सत्रह नब्बे में से क्या करना है आपको घटा लेना है क्लियर है चलो बनाओ आंसर दो इसका किसमें से घटेगा सत्रह तीस में से या सत्रह नब्बे में से जल्दी बताओ आंसर चलिए जल्दी बताइए आंसर दीजिएगा तीन चालीस मिटा दिए आंसर देके क्या बात है भाई आंसर दीजिएगा नौ पचास नौ पचास एक चालीस चलिए भैया एक आंसर दीजिए हमको एक आंसर दीजिए नौ पचास विपिन कुमार नौ पचास या दस पचास नौ पचास या दस पचास नौ पचास या दस पचास चलो हम अब देखते हैं इसको ठीक है भैया चूंकि ये तीस से ज्यादा है तीस में से पचास घटेगा नहीं अतः हमको सत्रह नब्बे में से घटाना होगा सत्रह नब्बे में से घटाना होगा पचास को अगर इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा चालीस आरह तेरा चालीस मिनट होगा भैया तेरा बजकर चालीस मिनट आप ही बताओ तेरा कब बजता है तो बारह के बाद जाते हैं है ना तो ये इसको हम क्या कहेंगे इसमें से 12 माइनस करना होगा तो कहेंगे एक बजकर चालीस मिनट एक बजकर चालीस मिनट एक बजकर मिनट आपका समय होगा एक बजकर चालीस मिनट क्या इसका दूसरा भी आंसर संभव है तो कहिएगा हाँ इसका दूसरा भी आंसर संभव है उसमें एक घंटा जोड़ने पे वो आएगा तो एक में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा दो बजकर चालीस मिनट ठीक है आपका उत्तर होगा एक चालीस या दो चालीस ऑप्शन देखकर मार दीजिए प्रश्न में एक चालीस है एक चालीस में हम क्या मारेंगे टिकआउट मारेंगे क्लियर है भाई आगे यहां पर आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ठीक है भाई क्या क्या लिखते हो जी पेट में गैस हो गया है सर चार दिन से मैडम नहीं गए हैं मैदान नहीं गए हैं यही सब लिखते हो है ना पढ़ने पे तो ध्यान रहता नहीं है है ना और कमेंट्स ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो भी कमेंट्स लिखना भूल जाइएगा चलिए इसका बताइए हाँ एक घंटा क्यों ऐड करेंगे सर शुरू से आज़ाद अली एक बार क्लास को देख लो हम पूरी तरह उसको हम बता दिए हैं है ना क्यों एक घंटा ऐड करते हैं इसके बारे में बारीकी से है ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इतना बढ़िया से समझाया है आपको तो आप बैक कर कर वीडियो को लास्ट में आप देख लीजिएगा इसका उत्तर दीजिए छः पाँच छः पाँच छः पाँच, पाँच है छः पाँच तो कोई में है ही नहीं छः पाँच बता रहे हैं ऑप्शन में छः पाँच तो है ही नहीं छः पाँच तो है ही नहीं ठीक है तो क्या होगा देखो यहां पे वास्तविक समय यहां पे दिखा रहा है ग्यारह बजकर पच्चीस मिनट हमने बोला जब भी वाटर इमेज की बात होगा तो आपको सत्रह तीस में से या सत्रह नब्बे में से घटाना है तो तीस में से पच्चीस घट रहा है अतः ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है सत्रह तीस में से इसे घटा लेना है सत्रह तीस में घटाइएगा किसको? 1125 ग्यारह पच्चीस को तो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा पांच और यहां पे आ जाएगा छ बजकर पांच मिनट होगा इसका दूसरा उत्तर भी संभव है जब घंटे की सुई का विचलन नगन माना जाए तो वैसा स्थिति में यहाँ पे समय निकलेगा एक घंटा ऐड करने पे। तो छः एक सात बजकर पांच मिनट ये दोनों आंसर संभव है यह आंसर कौन वाला हुआ जिसको हमें घंटे की सुई का भी विचलन आप करवाए थे आइए कौन समय निकला जिसमें घंटे की सुई का विचलन आप नगन माने थे अतः दोनों आंसर संभव है आपका ऑप्शन में देखो ये वाला नहीं है सात पांच है अतः आपका उत्तर डी से ही होगा क्लियर है इसी प्रकार से आपको कई तरह के बुक में देखने को मिलेगा अतः अब आपका उम्मीद करते हैं कि एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा बहुत सारे विद्यार्थी ऑफिस तक पहुंचते थे कि सर इसका मतलब क्या होगा फलाने स्थान पर हम रीजनिंग पढ़े हैं लेकिन उसके अनुसार ये होगा उत्तर उत्तरग्रत नहीं हकीकत यह है हकीकत है जो मैंने आपको बताया अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर सात को यदि वास्तविक समय एक बजकर पच्चीस मिनट हो रही हो तो भैया आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा ठीक है तो चलो बताओ क्या होगा एंसर देकर हमको बताइए क्या होगा ऑप्शन ओके सर स्टार्ट से देख लेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर दीजिए हां भाई हम देख लिए है ना पहले हमको इसको समझाइए ना आंसर विपिन कुमार गोविंद कुमार छः पांच या सात ऑप्शन भी है ए बी सी डी ई ठीक है बी होगा बी बी यानी कि चार बजकर पाँच मिनट बता रहे हैं सर जी माइ टेस्ट प्लीज भैया अभी ये क्लास को चलने दो ना जो क्लास चलता है उस क्लास की बात करो हम आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है है ना हमारी मजबूरी को भी समझो सारे क्लास जैसे जो भी लाइव क्लासेज हैं सबको बंद तो नहीं किया जा सकता सभी क्लास में हमें आना होता है है ना तो थोड़ा सा मटेरियल भी बनाना होता है आपके लिए यूट्यूब पर नौ बजे रात को हम आएंगे टेस्ट भी लाएंगे टेंशन मत लीजिए है ना बिल्कुल है ना कल से हम सोचे भी हैं कि आपका शूड्र हम लगाएं है ना आज से बैच शुरू होना था इसीलिए आज हम यूट्यूब पर भी दे दिए क्लास को चार पाँच चार पांच चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा गौर से यहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हमको सत्रह तीस में से घटाना होगा क्योंकि तीस में से पच्चीस घट रहा है तो नब्बे में से क्यों घटाएं भाई तो हो जाएगा सत्रह तीस में से एक पच्चीस को आप घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इधर आ जाएगा सोलह सोलह बज के पांच मिनट को क्या कहिएगा तो चार बजकर पांच मिनट आपका आंसर होगा चार कर मिनट क्या इसका दूसरा आंसर भी सही है हो सकता है तो कहिएगा हाँ जिसमें घंटे की सुई के विचलन को नगन मान के बनाएंगे वो कैसे निकलता है तो एक घंटा इसमें ऐड करने पे निकलता है यानी पांच बजकर पांच मिनट ठीक है ये भी आपका उत्तर हो सकता है ठीक है इसमें ये घंटे की सुई को नगन मान के हुआ एक घंटे की सुई को विचलन मान के हुआ अब आपका ऑप्शन में चार बजकर पांच मिनट हमें दिखाई दे रहा है दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिकॉट मार देंगे अगर दोनों ऑप्शन होगा तो फिर इसको टिकॉट मारेंगे क्लियर है इतना बारीकी से समझाया क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं ये आठ नंबर का क्वेश्चन ठीक है अब यहां पे आठ नंबर का क्वेश्चन ऑन डिग्री है ठीक है भैया यहां पे ध्यान दीजिए यहां पे ध्यान दीजिए क्लॉक में मैंने आपको बोला क्लॉक में मैंने आपको बोला कि कितने तरह का क्वेश्चन होगा भाई कितने तरह का क्वेश्चन होगा तो मैंने बोला पहला आपका क्वेश्चन जो होगा वो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पे आधारित होगा जो मैंने अभी सीखा जो मैंने अभी सीखा ठीक है दूसरा टाइप में आपको मैंने क्या बताया ऑन डिग्री ऑन डिग्री का प्रॉब्लम होगा ऑन डिग्री पर आधारित क्वेश्चन होगा ठीक है ऑन डिग्री में क्वेश्चन कैसा होगा तो ऐसा होगा देखो यहाँ पे कि तीन बजकर चालीस मिनट का समय हो रहा है वह समय याद कीजिए जब घंटे की सुई पचहत्तर डिग्री से आगे बढ़ता हो या फिर यह भी कह सकता है कि वह वह ऐसा है ना कि आठ बजकर चालीस मिनट बजे बजे घंटे और घंटे और मिनट की सुई के बीच घंटे और मिनट के सुई के बीच सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा कोण बनेगा कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ठीक है भैया इसमें और भी भिन्न मित्र का क्वेश्चन होगा ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तीन और चार बजे के बीच तीन और चार बजे के बीच चार बजे के बीच कब कब दोनों सुइया के बीच दोनों सुइया के बीच सुइया के बीच के बीच 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 तीस डिग्री का कोण बनेगा तीस डिग्री का कोण बनेगा कोण बनेगा बनेगा इस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करेगा ठीक है भैया ये आपका है ना पहला टाइप ये आपका दूसरा टाइप पहला टाइप में क्या पूछा कितने डिग्री का कोण बनेगा दूसरा टाइप में क्या पूछा समय दोनों कब कब आइए कब यानी कि समय बने पहला टाइप में आपको डिग्री पूछेगा दूसरा में कितने समय के बजे इतना डिग्री का कोण बनेगा तीस डिग्री का कोण बनेगा यानी ये कह सकते हैं कि इसका ये उल्टा इसका ये उल्टा यहां पे समय दे दिया है डिग्री पूछा है यहां पे डिग्री दे, दे देगा समय पूछेगा यानी यह दो टाइप मेल रूप से बनता है अगर बेसिक नहीं है अगर बेसिक नहीं है इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं अगर इसका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा फॉर्मूला से सिर्फ आप बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन को तो बना लीजिएगा लेकिन बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है भैया तो अब हम बात करेंगे ऑन डिग्री का और तीसरा टाइप में मैंने बताया आपको स्लो सुस्त घड़ी को सुस्त हो जाना या घड़ी को फास्ट हो जाना यानी कि तेज हो जाना सुस्त हो जाना या फास्ट हो जाना ठीक है सुस्त हो जाना या फास्ट हो जाना या तेज हो जाना या फिर ये कहेगा इसी में इसी टाइप में कि एक दिन में एक दिन में कितनी बार दोनों सुइया संपाती होगी कितनी बार दोनों सुइयां संपाती होगी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे करेगा तो ये सारे क्वेश्चन की बात हम आज नहीं ये टाइप टू के अंतर्गत कल से करने वाले हैं ठीक है भाई आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास कहीं ना कहीं सर दर्द का कारण बनता है ठीक है लेकिन ध्यान रहे जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो सब के सब इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं अपने साथ कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे उसका नोट्स जरूर बनाएंगे और नोट्स से उसकी प्रैक्टिस करेंगे वीडियो से से नहीं नोट्स उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको 100 परसेंट क्लियर होगा वीडियो से प्रैक्टिस करिएगा तो समय आपको बहुत ज्यादा लगेगा जितना समय अभी आपको एक घंटा लगा उतना ही समय रिवीजन करने में भी लगेगा लेकिन अगर आप एक बार इसका नोट्स बना लेते हैं तो पांच मिनट काफी है इसको रिविजन करने के लिए पांच मिनट में पूरे क्लॉक का रिविजन आप कर लीजिएगा अतः अतः आप इसका रिवीजन के लिए नोट्स जरूर बनाएं नोट्स जरूर बनाएं यह ध्यान रहे ठीक है क्लियर है भाई कैसा लगा क्लास थोड़ा सा कमेंट्स करके आप जरूर बताएंगे ठीक है और जिन विद्यार्थियों को इस क्लास को ज्वाइन करना है वो के टी सी ऐप डाउनलोड कर लेंगे के टी सी ऐप डाउनलोड कर लेंगे ठीक है और उसपे उस पर उस सारा चीज वहां पर मिल जाएगा कहां गया भाई जिन विद्यार्थियों को इस क्लास को ज्वाइन करना है वो के टी सी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेंगे आज से क्लास शुरू हुई है शाम को पांच बजे चलेगा पर डे सोमवार से सोमवार से शुक्रवार सोमवार से शुक्रवार ठीक है ना फ्राइडे तक का एक क्लास पर डे है ना एक से डेढ़ घंटा की क्लास होगी पर डे इसका पीडीएफ ऐप के बगल में लगा हुआ है और इसका टाइम है शाम पांच बजे फी है तीन सौ अंठानवे रुपया भारवाल और नॉन भारवल दोनों रीजनिंग की इसमें बात होगी ठीक है दोस्तों तो हमें दीजिए विदा मिलते हैं कल जब तक खुश रहिए मगन रहिए ओके बाय बाय